नमस्कार, चंद्रप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन में बरसी रूसी मिसाइलें, खंडकों में छिपे नागरिक, दुकानों से सामान और दवाइयां गायब। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई, रूसी हमले में यूक्रेन के 135 से अधिक लोगों की गई जान। यूक्रेन का दावा, हमने मार गिराए 800 से ज्यादा रूसी सैनिक, 30 टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट भी किए तबाह। रूसी पुलिस ने 1700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, यूएन ने कहा यूक्रेन से करीब 1,00,000 लोग हुए विस्थापित। अगले 96 घंटे में राजधानी के ऊपर हो सकता है रूस का कब्जा, अमेरिका बोला यूक्रेन की एक सप्ताह में गिराई जा सकती है सरकार। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंधों का किया ऐलान, कहा पुतिन की आक्रामकता की रूस को चुकानी पड़ेगी कीमत। राष्ट्रपति बाइडेन ने 5 बड़े रूसी बैंकों के तमाम एसेट्स किए फ्रीज, रूस की 100 से अधिक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा ब्रिटेन। हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलादिमीर जेलेंस्की का छलका दर्द, का जंग में सबने अकेला छोड़ा, रूस को नहीं करेंगे माफ। युद्ध के बीच 20,000 से ज्यादा भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे, जल्द वतन लौटने की लगाई गुहार, अफरा तफरी का माहौल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यूक्रेन पर केंद्रीय कमेटी ने किया मंथन, भारतीयों की सुरक्षित वापसी समेत कई अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से की लगभग 25 मिनट तक बात, हमले रोकने और भारतीयों की वापसी को लेकर की चर्चा। एस जयशंकर ने रोमानिया और हंगरी के अपने समकक्षों से की बात, नेताओं ने यूक्रेन संकट समेत अन्य मुद्दों पर की चर्चा। यूक्रेन में भारतीयों के फंसे होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, सलमान खुर्शीद बोले नींद से जागे पीएम, बुलाएं सर्वदलीय बैठक। भारतीय नौसेना को बोइंग से मिला 12वां P-8I विमान, अब लंबी दूरी तक आसान होगी समुद्री क्षेत्रों की खुफिया निगरानी। भारतीय T-9 युद्धक टैंक को किया जाएगा अपग्रेड, रक्षा मंत्रालय खर्च करेगी 1,075 करोड़ रुपए। भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने दिया बड़ा बयान, का अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन पैदा कर रहा है नया खतरा। यूपी में 5वें चरण की 61 सीटों पर आज शाम थम जाएगा प्रचार, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गजों की दांव पर प्रतिष्ठा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज प्रयागराज में होगी जनसभा, मुख्यमंत्री योगी अतीक अहमद के इलाके में करेंगे रोड शो। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में कूदे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अमेठी प्रयागराज में आज जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अयोध्या में CM योगी आदित्यनाथ ने किए रामलला के दर्शन, हनुमान गढ़ी में भी की पूजा अर्चना, मांगा आशीर्वाद। वीजा विवाद में हाईकोर्ट में आज दलीलें पूरी करेंगे वकील, जल्द ही मामले में सुनाया जाएगा फैसला, पीठ ने दिए संकेत। बौद्धिक संपदा व्यवस्था पर भारत की समग्र रैंकिंग में हुआ सुधार, USCC की रिपोर्ट में 55 देशों में 43वें स्थान पर पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की टीकाकरण शाखा की रिपोर्ट में खुलासा, का टीके से घबराहट फिजूल, 62% दूसरी वजहों से हुए भर्ती। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 13,166 नए मामले, इस दौरान 302 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में कोरोना के एक्टिव केस घटकर हुए 1,34,235, वहीं अभी तक 5,13,226 लोगों की जा चुकी है जान। 17 वर्षों में 98,368 करोड़ रुपए की संपत्ति की गई अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत हुई कार्रवाई, केंद्र ने दी जानकारी। युवाओं को आतंकी बनाने की साजिश रचने वाला गिरफ्तार, NIA ने मदुरई में मुकदमा दर्ज कर शुरू की थी जाँच। बिहार के खगड़िया में हुए बम विस्फोट में 14 लोग घायल, कचरे में पड़े कार्टून में थे बम, छानबीन में जुटी पुलिस। टूरंड रेखा विवाद को लेकर तालिबान और पाकिस्तानी सेना में जंग, कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में 3 नागरिकों की गई जान, 20 घायल। मेडिकल क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च की ICMR DHR पॉलिसी। किश्तवाड़ में पुलिस के हत्थे चढ़े हिजबुल के 4 मददगार, लोगों के बीच रहकर दहशत गर्दों तक पहुंचा रहे थे गोपनीय जानकारी। झारखंड के विद्यालयों में बनेंगे ICT प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षाएं, CM हेमंत सोरेन ने 325 मॉडल विद्यालयों के प्रस्ताव को दी मंजूरी। झारखंड में बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव, राज्य मंत्रिमंडल ने अप्रैल मई के बीच चुनाव कराने को दी मंजूरी। मुंबई में 8 मार्च तक रैली और प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान की परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर 10 साल की होगी जेल, प्रश्न पत्र लीक और धोखाधड़ी रोकने के लिए विधेयक पेश। बिल गेट्स ने विश्व से की चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने की अपील, बोले पूरे दुनिया को एक और महामारी का करना पड़ सकता है सामना। भूपेश बघेल ने आवारा पशुओं को लेकर किसानों को दी अजीब नसीहत, बोले जानवरों को योगी आदित्यनाथ के आवास पर छोड़ दें किसान। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने पेश किया 2022-23 का बजट, 14,008 करोड़ रुपए के व्यय में नहीं लगाया कोई नया कर। ग्रामीण इलाकों में माइक्रो ATM लगाएगी हरियाणा सरकार, दुष्यंत चौटाला बोले पैसा जमा करने और निकालने में होगी आसानी। अहमदाबाद और बड़ोदरा में हटाया गया रात्रिकालीन कर्फ्यू, गुजरात सरकार ने कोरोना के केस कम होने के बाद लिया फैसला।
गडकरी ने मध्य प्रदेश में 11 सड़क परियोजनाओं की रखी आधारशिला, बोले 5 साल में अमेरिका जैसी होंगी मध्य प्रदेश की सड़कें। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात से हटाई पाबंदी, इंजेक्शन में प्रयोग होने वाले प्रमुख रसायनों का भी हो सकेगा निर्यात। लालू ने चारा घोटाले में मिली सजा को झारखंड हाईकोर्ट में दी चुनौती, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में हुई है 5 साल की सजा। दिल्ली में 2020 की तुलना में 2021 में 15% बढ़े महिला अपराध, पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पेश किए आंकड़े। दिल्ली सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मानदेय और भत्ता, कई दिनों से हड़ताल कर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे कर्मचारी। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष पाटिल ने नवाब मलिक का मांगा इस्तीफा, बोले डी गैंग से संबंध होने के बाद मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं। श्रीलंका को 62 रन से हराकर भारत ने लगातार जीता 10वां T20 सीरीज में 1-0 की ली बढ़त, पाकिस्तान को पीछे छोड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 199 रन बनाए, जवाब में 20 ओवर में 137 रन ही बना सकी श्रीलंका की टीम। कप्तान रोहित शर्मा ने गप्टिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ा, T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। IPL में महाराष्ट्र के स्टेडियमों में आ सकेंगे 40% दर्शक, चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने संचालन परिषद की बैठक के बाद दी जानकारी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।